सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक पूर्ण बहुमत की सरकार 40 विधायकों की सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दी है और कुछ निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है तो हमें विश्वास है कि वो 40 का आंकड़ा बढ़कर जो है वो 41 या 42 बहुत जल्दी हो जाएगा मगर वो अभी भविष्य के गर्भ में है तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा मगर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की बात है उसकी औपचारिक जो शुरुआत है वो आज शुरू हो रही है। आज बैठक रखी गई है करीबन 3:30-4 बजे के लिए जिसमें हमारे जो चीफ ऑब्जर्वर्स है इन चुनावों के लिए श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो अभी इन चुनावों का जो नया लीडर बनना है उसके लिए हाईकमांड से डिप्यूट किए गए हैं वो आ रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। राजीव शुक्ला जी आ रहे हैं और सब मिलकर जो हमारी विधायक दल है उनके साथ बैठक होगी और वो निर्णय लेंगे कि अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाना है तो निश्चित तौर से उसमें सब अपनी अपनी बात रखेंगे और जो कलेक्टिव विल है विधायक दल की वो हाईकमांड के समक्ष रखी जाएगी और फिर हाईकमांड आगे उस बात को जो है ऑब्जर्वर्स आगे वो बात हाईकमांड तक रखेंगे और जो भी फैसला हाईकमांड लेती हैं वो हमारे लिए माननीय और सम्माननीय होगा। हम उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जो हमने वादे चुनावों में लोगों से किए हैं जो हमने उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं अभिलाषाएं हैं चाहे कर्मचारी है बागवान है किसान है युवा है उनको हम आने वाले समय में पूरा करें उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और जैसे ही सरकार बन जाएगी नए मुख्यमंत्री बनेंगे नई कैबिनेट बनेगी उसके बाद हम अपना कार्य जो है वो इमिजिएटली प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। सर बाकी हो सकते हैं देखिए ये निर्णय हाईकमांड ने लेना है ये निर्णय विधायक दल ने लेना है कि कौन और किसको वो अपने प्रदेश का अगला मुख्य वो जो है वो चाहते हैं और जो हाईकमांड का आदेश होगा जो अपने विधायक दल के सेंटिमेंट्स होंगे उसको ही हम हमारे लिए वो मान्य है सामान्य है और उसी तरीके से हम आगे चलेंगे। हॉली लॉज का और वीरभद्र सिंह जी के नाम का इस सरकार को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको कोई भी डिनाई ना कर सकता है ना कर रहा है। हाईकमांड भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी उनका नाम इन चुनावों में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब किस तरीके से उसको आने वाले समय में उसको एक भूमिका के तहत में उन्होंने बांधना है वो निर्णय हाईकमांड